पिछे चलना तेज तेज चल यार पिछे आज पिछे जल्दी तेज आओ ना राहुल जी आगे बढ़ो भाजपा सरकार भाजपा सरकार भाजपा सरकार देखिए आप देख रहे हैं देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है और बदले की भावना से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व पे जिस तरह से हमला बोला जा रहा है पूरी प्रजातंत्र पे जो हमला है डेमोक्रेसी पे हमला है। जब आप सवाल पूछो क्योंकि राहुल गांधी जी आंख में आंख डाल करके चाहे वो बेरोजगारी हो महंगाई हो आज अग्निपथ हो इस तरह की जो स्कीमें हैं चाइना की घुसपैठ हो और नोटबंदी हो कोरोना में महामारी में जिस तरह से लोगों की जाने गई हो हर बात पे चूँकि प्रेशर उठाते हैं इसलिए मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को गांधी परिवार राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पे बहुत परेशानी है। आज भी जिस तरह से उन्होंने स्कीमें चलाई हैं और युवा जो है वो सड़कों पर हैं आगजनी में हैं वो जान देने को तैयार हैं इस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी ही उठाती है और इसलिए बदले की भावना से ये एक फेक केस बना करके 8 साल से जो बंद था दोबारा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया। जो नेशनल हेराल्ड हमारी वो अखबार है जो धरोहर है जो पहचान है आज़ादी की जिसको 100 किश्तों में अगर 90 करोड़ रुपया जो पत्रकारों का तनख्वाह थी अखबार के मुलाजमों की तनख्वाह थी 67 करोड़ रुपया और बाकी दफ्तरों के किराए बिजली पानी के अगर वो कांग्रेस पार्टी ने अपने से दिया और उस लोन को बाद में माफ़ करने के लिए कंपनी बना के उसको शेयर में बदला उसकी संपत्ति सारी जो है वो ट्रस्ट के नाम है जो कि नो प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसका ना कोई पैसा खा सकता ना खाया गया ना कोई प्रॉपर्टी हड़पी गई ना हड़प सकता है क्योंकि कानून ऐसा है। उसी कानून के तहत सेक्शन 25 जो कंपनी है जिसमें नो प्रॉफिट ट्रस्ट जो है उसको वो बनाया गया है तो घोटाला कहाँ है और घोटाला होता तो इनकम टैक्स ने लिख के दिया पहले इसको क्लीन चिट मिली तो पहले 8 साल कहाँ सोए थे। इसलिए आज मोदी सरकार दबाव बनाने के जिस तरह से आप देखते हैं कि बाकी ओपोजिशन पार्टीज पे भी इसी तरह की जो है दबाव बनाते हैं कि विपक्ष की आवाज़ ना रहे। इस देश के अंदर जमहूरियत में जितना रोल सरकार का है उतना ही विपक्ष का होता है। आज तमाम पार्टीज के खिलाफ आप देख रहे हैं जब कोई पार्टी का बड़ा लीडर जिसके खिलाफ ये कहते हैं घोटाला है जब वो इनकी पार्टी में जाता है तो ईडी सीबीआई सारे इनकम टैक्स जो है वो खामोश हो जाते हैं और जब कोई इनसे बाहर जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है। इस किस्म का वातावरण ये देश के लिए घातक है जमहूरियत के लिए घातक है और